जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 25 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज है करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक बने रहें। इससे पहले दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे कल के जो रेलवे के नोट्स विनर हैं वो हैं शिवेंद्र तिवारी जी। शिवेंद्र तिवारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने काफ़ी सारे फैक्ट और काफ़ी सारे डिटेल में यूनिक आंसर लिखा है। दोस्तों यदि आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको भी रेलवे का नोट चाहिए, बेहतरीन नोट चाहिए, तो आप हमारे इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में कभी भी आपसे कुछ पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, साथ ही काफ़ी डिटेल के साथ। और काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट करें तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से सर्च करके लिखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? देखिए दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किया दोस्तों रूस ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों रूस ने रसाटोमिक कारपोरेशन की सहायक कंपनी अकादमिक लोमोनोसोव के दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें फ्लोटिंग एटॉमिक ब्लॉक के रिएक्टर नवंबर 2018 में लॉन्च किए गए थे। दोस्तों यहां पे बात करें अगर रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है और करेंसी है रूसी रूबल। और दोस्तों यहाँ पे रूस से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट जो है एसएससी बैंकिंग और रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? वो था रूस। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, वो भी रूस की थी। और देखिए दोस्तों क्षेत्रफल दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश भी रूस ही है, ठीक है। और कैस्पियन सागर जो झील है, सबसे जो बड़ी झील है दुनिया की, वो रूस में स्थित है, ठीक है। और रूस जो है मॉस्कोवा नदी के तट पर स्थित है, रूस की जो राजधानी है, ठीक है, वो मॉस्कोवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और विश्व की सबसे गहरी झील जो बैकाल झील है वो भी रूस में है। तो ये फैक्ट बार बार एग्जाम पूछा है, तो इसलिए आपको याद रखना है, नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने किया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, उससे पहले दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, काफी मेहनत लगती है करंट अफेयर्स की वीडियो तैयार करने में। दोस्तों प्लीज एक लाइक करके मोटिवेट जरूर करें, फटाफट वीडियो लाइक कर दे। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी करें सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सरकार ने किस बैंक की अधिकृत पूंजी को 8,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है? देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ने जो है इलाहाबाद बैंक के जो 8,000 करोड़ रुपए तक इस पूंजी को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस 5,000 करोड़ रुपए से दोस्तों 8,000 करोड़ रुपए कर दिया है, और आरबीआई के परामर्श के बाद जो है केंद्र सरकार ने बैंक की अधिकृत पूंजी में वृद्धि की है, ठीक है। बात करें यहाँ पे अगर इलाहाबाद बैंक के एमडी कौन है और सीईओ कौन है, तो इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है आपसे, इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ, तो याद रखेंगे। और इसका दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में नहीं है, आपको ध्यान देना, कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता में इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1865 में। स्थापना भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, 24 अप्रैल 1865 को इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। इतने फैक्ट आपको इलाहाबाद बैंक से रिलेटेड याद रखने। साथ ही अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की, पीएनबी की, देखो दोस्तों पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 में हुई थी, ठीक है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की। बात करें अगर एमडी और चेयरमैन कौन है पंजाब नेशनल बैंक के, सुनील मेहता है, और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सरकार ने किस बैंक की अधिकृत पूंजी को 8,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है? इलाहाबाद बैंक की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बजरंग पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों बजरंग पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीत लिया गोल्ड मेडल, ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने चीन के जियान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है, और उन्होंने दोस्तों कजाकिस्तान के सयाद बेक ओकासो को 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल फाइनल में हराया। किसको हराया? कजाकिस्तान के सयाद बेक ओकासो को। अब ये कहाँ पे हो रही है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप? तो ये भी आपको याद रखना है चीन के जियान में, ठीक है, ये भी हो यहाँ पे हो रही, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों यह जो है इस चैंपियनशिप में बजरंग का दूसरा स्वर्ण है, इससे पहले उन्होंने 2017 में स्वर्ण पदक जीता था, और परवीन राणा ने एक रजत पदक हासिल किया, और सत्यव्रत कदियान ने चीन के हाओबिन गांव को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो बजरंग पुनिया ने जो गोल्ड मेडल जीत लिया है कजाकिस्तान के सयाद बेक ओकासो को हराकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, और यह भी याद रखना है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहां पे हो रही है? चीन के जियान में हो रही है।
हाल ही में किस देश ने रामायण पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? रामायण पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया इंडोनेशिया ने। ठीक है, इंडोनेशिया ने। देखो दोस्तों, इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यहाँ पे बात करें अगर इंडोनेशिया की राजधानी क्या है तो जकार्ता है, और यहाँ की करेंसी क्या है इंडोनेशिया की, तो ये है रुपया, इंडोनेशियाई रुपया है। और इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन है, यहाँ पे फैक्ट पूछा सकता है आपसे एग्जाम में, तो वो है प्रदीप कुमार रावत जी। ठीक है, राजदूत कौन है इंडोनेशिया में भारत के, प्रदीप कुमार रावत जी। देखो दोस्तों, स्टैम्प को जो प्रसिद्ध इंडोनेशियाई मूर्तिकार पद्मश्री बापक न्योमन नूरता ने डिजाइन किया है, जिसमें रामायण का एक दृश्य दिखाया गया जिसमें जटायु ने सीता को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई की थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्टैम्प का एक जो विशेष रूप से हस्ताक्षरित जो है संस्करण जकार्ता के फिल्ली म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने रामायण पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया, इंडोनेशिया ने जारी किया है। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता है और करेंसी इंडोनेशिया है रुपया, और यहाँ पे भारत के राजदूत है इंडोनेशिया में प्रदीप कुमार रावत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया था। पहली बार कब घोषित किया गया था? 24 अप्रैल 2010 को। और यह दिन जो है दोस्तों 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें 24 अप्रैल 1993 से लागू है संविधान, जो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 पारित होने के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो पंचायती राज, आपको बता दें कि भारत का संविधान पंचायतों को स्वशासन के संस्थानों के रूप में मान्यता देता है, और राज्यों को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाने और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकतर प्रदान करने की अनुमति देता है इसमें। ठीक है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, इसी दिन जो है 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2019 दिया गया है? देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2019 दिया गया दोस्तों, ये ऑप्शन ए और बी दोनों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो पब्लिकेशन डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया को 23 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में स्वच्छ पखवाड़ा पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो सचिव हैं अमित खरे ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। आपको बता दें, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक एफ सहारियार और महानिदेशक समाचार सुश्री ईरा जोशी ने ऑल इंडिया रेडियो का पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में महिला हेप्टेथलॉन में रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीत लिया दोस्तों स्वप्ना बर्मन ने। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, एशियाई खेलों की गोल्ड मेडल जो विजेता हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन और 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन एक एक रजत हासिल किया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में हेप्टाथलॉन में रजत पदक किसने जीता है? स्वप्ना बर्मन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। अप्रैल 2019 में किस योजना को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों उत्कर्ष बांग्ला को, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की उत्कर्ष बांग्ला योजना को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, दुनिया भर से 18 श्रेणियों में 1062 नामांकन में से उत्कर्ष बांग्ला क्षमता निर्माण श्रेणी में नंबर 1 पर उतरा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी कन्याश्री योजना के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र के एक और पुरस्कार भी इसको मिला था। ठीक है, तो किस योजना को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार सम्मानित किया गया? उत्कर्ष बांग्ला को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बन गए पुराणिक योगेंद्र। देखिए दोस्तों, एक भारतीय मूल के जापानी को टोक्यो के एडोगावा वार्ड विधानसभा के लिए चुना गया है। ठीक है, एडोगावा विधानसभा, जो जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और देखिए दोस्तों, जापानी नागरिक पुनार्विक योगेंद्र ने 21 अप्रैल को हुए मतदान में इन्होंने जो है तो 6,477 वोट हासिल किए थे। आपको बता दें, जापान में लगभग 34,000 से अधिक भारतीय रहते हैं। ठीक है, जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पुराणिक योगेंद्र। आप देख लेते हैं दोस्तों, जिसका आंसर आपको देकर आप जीत सकते हैं रेलवे का नोट्स, बेहतरीन नोट्स। तो क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथ ही आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना है, डिटेल में लिखना है, यूनिक लिखना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करेंगे और रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ।
वीडियो लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे, आपको पार्टिसिपेट करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी 24 अप्रैल की, तो जस्ट यहाँ पे प्ले होगा, आप जरूर देख लें। और डेली आप मॉर्निंग में टाइम निकालकर करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखा करें, हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। प्लीज वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।